हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पार्वती। आज मैं आपको प्रॉमिस किया था, जो मैंने बोला था पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको मैं दिखाने वाली हूँ मेरा घर। तो वेलकम वेलकम वेलकम। आज जो घर के बाद गृह प्रवेश कुछ होता है ना, उसी तरह आपको मैं अपने घर में प्रवेश करवाना चाहती हूँ। और ये जो वॉइस है वो हमारा ही है, हम अभी नींद से उठे हैं। तो हाँ, थोड़ा बात ये है, तो ये हमारा बेड है जो ये हमने अपेरेंटली बनाया था घर बारिश होने के कारण। वो वाले घर में है, इसको तोड़ दे के हम जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा घर का पीछा वाला एरिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम जाएंगे इस तरफ, कुछ दिखाने वाली तो हूँ नहीं अभी, आपको जाना पड़ेगा तब भी। वो इसको मैंने बाय मिस्टेक लगा दिया, उसको हटा देंगे। तो चलिए, तो ये मेरा घर का दरवाज़ा है, नॉट दरवाज़ा, एंड डोंट बी सरप्राइज, ये है मेरा घर का आगे वाला हिस्सा। मैंने थोड़े बहुत पेड़ लगाए हैं इसलिए वो बहुत बड़ा उग गया है। मुझे इस घर को नहीं, घर को नहीं, इसके इंटीरियर बनाने में ही मुझे 5 दिन लगा। सच्ची का 5 दिन नहीं, इस गेम में 5 दिन लग गए हैं मुझे, शायद ज़्यादा भी लगे। ये आप मेरे बॉल देख सकते हैं, और ये मेरा एंट्रेंस है। तो इधर ब्रिक्स कम पड़ गए, हम गिर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कवर कर देते हैं पहले से ही, ताकि हम गिरे ना कभी। चलो, एंट्रेंस में आते ही आपको ये पिंक वाला दरवाज़ा दिखेगा और ये ग्लो वाला ब्लॉक दिखेगा, ताकि आने नाइट टाइम में अच्छा ग्लो है। मेरा दरवाज़ा हमेशा बंद होता है वो ज़ॉम्बीज़ के कारण। अगर खोल दूँगी तो ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे कभी भी, उनकी मन मर्ज़ी चलती है, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने वो अभी बंद रखा है सब कुछ, आप देख सकते हो। इसको आप पहले ही देख लिए शायद, इंटर करते ही आपको राइट साइड में दिखेगा ये फॉर्म लैंग जो मैंने छोटा सा बनाया है। इसमें अभी मैंने वीट लगाया, सीड्स लगा दिए, और थोड़े बहुत पेड़ हैं छाव के लिए और हवा के लिए। और ये मैंने अच्छे फ्लावर्स लगाए, बहुत अच्छे हैं ये फ्लावर्स, मैंने उसको लगा दिया। और लेफ्ट साइड भी हमने लगाया है ये फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, और तो मैंने ये लगा दिया। आपने ये सीढ़ी देखी है, ऊपर हमने रूम बनाया, क्या बनाया आपको बाद में दिखेगा। पहले आ जाओ घर की तरफ, पहले हम सभी को स्वागत 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 मेरे घर को। आज इतने दिन के बाद आप आ रहे हो, इतना वेट कर रहे थे शायद देखने के लिए, तो आ जाओ। आप एंटर करते ही पूरा ग्लो ग्लो देखिएगा, ये है मेरा हॉल। तो एंट्रेंस में आते ही इस तरफ फ्लावर्स हैं वाइट कलर के, मैंने बोला ना मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो एंट्रेंस में आप ऊपर देख रहे हैं, तो आ जाइए। जैसे कि मैंने बोला है, मेरे 5 टोटल रूम हैं, 4 बेडरूम से, और एक मैंने ऐसे ही रख दिया, पता नहीं उसे किचन बनाना सोच रही थी, उसी को ही बना दिया मैंने। तो ये दोनों रूम हैं और ये दोनों रूम है, राइट और लेफ्ट में। आप हॉल में आ सकते हो, ये राइट तरफ पूरा पिक्चर से मैंने लगा दिया है। और इस तरफ मैंने कुछ ऐसा वर्क किया है जो लाइटिंग दे सके, और हमें इधर हमेशा रोशनी रोशनी एक गुड वाइब्स देता रहे। तो आप देख सकते हो ये सब, मैं पहले आपको मेरा ये हॉल दिखा दूँगी। तो इस तरफ भी पूरा पिक्चर्स है, और आप देख सकते हैं पूरा पिक्चर्स। ओ गॉड, मैंने तोड़ दिया उसको, कोई बात नहीं, बाद में लगा सकते हैं उसको। पूरा पिक्चर्स पिक्चर्स की तरह है। तो आप देखिए, इधर भी पिक्चर्स, वो अच्छा लग रहे थे। और ये थोड़ा बहुत मैंने क्या बोलते हैं, ग्लोइंग टाइप। तो ये है हमारा टेबल, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, बहुत सीटें भी है, देखो ये वाला, तो बहुत सारे लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ा सकते हैं, ये बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। ये आपका हो गया।
और स्ट्रेट ले जाएंगे तो हमें इधर मिलेगा एक रूम जो मैंने किचन बनाया। यस गाइस, आप लेफ्ट साइड देखोगे तो ये सब किचन है, ऊपर कपबोर्ड सब वो है ताकि हम इसमें सामान रख सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे फ्लश मीट सब कुछ मैंने रख दिया है। जैसे ये फ्लश हो गया और ये बोन जो खाते हैं ये सब इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो एक ये वाला है, तो ऊपर लाइटिंग लगाया है ग्लो के लिए, और ये वॉशिंग वाला है, और ये प्लेटफॉर्म है, ये फर्नेस है जहाँ हम खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना वो सब बनाते हैं, तो इसलिए वो कुछ है पता नहीं, उसको मैंने ऐसे रख दिया। और राइट साइड आते ही आपको हमारा छोटा सा टेम्पल दिखेगा, मंदिर जैसा, आप इधर आके चलो, ब्लेसिंग्स लो। मुझे कुछ फोटोज़ की तरह, भगवान की तरह कुछ ऐसा नहीं मिला था, तो मैंने इसे इसको लगा रख दिया ताकि ये गॉड का वाइब दे सके। तो हाँ, ये टेम्पल का एरिया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा है। और ये सब कैंडल, वो टॉर्च होता है ना, वो सब दे दिया मैंने। तो है वो, ये छोटा सा किचन हो गया और ये हमारा भगवान का घर। आते ही भगवान को ब्लेसिंग्स लेके हमें एंटर होना चाहिए, तो इसलिए हमने ब्लेसिंग्स ले दिए। तो हम कौन सा रूम जाए अभी? हमें हमारा हैंड्स एम्प्टी रखना चाहिए ताकि हम बाहर कुछ ना तोड़े। तो हम कुछ एम्प्टी करते हैं, ये वाले एम्प्टी कर देंगे तो हाथ हमारा खाली होगा। तो आपको इस तरफ दो रूम, इस तरफ दो रूम दिख रहा होगा, मैं सबको एक एक करके दिखाऊंगी पहले। लेकिन कौन सा देखे, इधर वाला कि इधर वाला? चलो इधर वाला ही जाते हैं। पहले मैंने इसको ही बनाया था, तो आपको ये डोर दिख रहा होगा। एंटर करते ही आपको ये वॉशरूम है, ये बेडरूम है। मैंने सभी रूम में एक कलर कॉम्बिनेशन की वजह से उनके बेस पर मैंने कुछ डेकोर किए हैं, और उनके बेस पर ही बेड टेबल वो सब कलर में मैंने मैच किया है। जैसे मैंने बेड को और उसके साइड में जो भी है एरियाज़ को सबको एकदम ब्राउन में लगाया है। और ये हमारा बेड है, कभी कभी इधर सोते हैं हम। तो ये वाला टेबल है जिसमें मैंने फ्लावर्स भी एकदम क्या बोलते हैं उसी कलर का फेस किया है। इधर हमें विंडो का मिलेगा, इधर भी विंडो का, और हम कुछ पिक्चर उधर लगा दिए। हमारा पोर्शन है जो हम तैयार होते हैं, जो भी हमारे कुछ होते हैं सामान इसमें रख देते हैं। देखिए कबोर्ड में ये सब हमारा सामान है, अब देख सकते हैं ये इसका एरिया ऐसा है। और ये वॉशरूम, अरे यार ये बीच में आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो वॉशरूम में ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी वॉशरूम में क्या है, ज़्यादातर वो चेंज करेगा कपड़ा या यूज़ करेगा, सो एंड सो, और इसलिए मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आप देख सकते हो इतना कुछ मैंने अभी तक किया नहीं है, अभी खाली खाली है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। वैसे भी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं तो इसको छोड़ देते हैं, अभी बंद कर देते हैं। हमें बंद इसलिए करना है क्योंकि कोई आ ना जाए। तो इधर आप इधर आ सकते हो, टेबल एरिया में एक टेबल है और एक थोड़े बहुत बुक्स है, और ये फ्लावर्स मैंने इधर रख दिया है, और ये थोड़ा कपबोर्ड है। तो ये वाला सिस्टम है हमारा इधर, ये छोटा सा टॉय की तरह मैंने इधर रख दिया। तो ये वाला पोर्शन है, आपको कैसा लगा ये वाला रूम बोल देना, ठीक है। तो ये ऐसा है, सो लेट्स गो टू दैट रूम डायरेक्टली। तो इसको बंद कर देते हैं, बंद मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं जॉम्बिस की एंट्रेंस ना लूँ, मतलब वो हमेशा इधर उधर आते रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला है सब में मैंने कॉमन कॉमन कलर्स लगाए हैं, इसमें भी मैंने कुछ डार्क में लगाया है, जो लिविंग हॉल में था उसी को मैंने यूज़ करके इसको बनाया है। ये कॉमन सा बेड है, जैसे कि इसका डिज़ाइन कुछ अलग है उस घर से। और फ्लावरिंग देखो, मैंने रोज़ फ्लावर्स डाल दिया। इस तरफ आते ही आपको इसका कपबोर्ड का सिस्टम मिलेगा जहाँ सामान बहुत सामान रख सकते हैं, और ये कुछ मिरर फिनिश का जैसा वर्क है। और ये वॉशरूम है, वैसे ही सेम है, कुछ अलग नहीं है, उसको छोड़ दिए हम ऐसे ही। तो ये आपका विंडो का सिस्टम ये सब होता है, तो ये कपबोर्ड का सिस्टम है। और इधर मैंने ऐसे ही ग्लो वाला फ्रेम लगा दिया है, तो अच्छा दिख रहा है, उसको रहने दो। बाद में इधर आते ही आपको कुछ ऐसा पिक्चर्स दिखेंगे,
और कबोर्ड, कुछ बुक्स, कुछ नोट्स, कुछ ग्लो ग्लो और थोड़ा बहुत फ्लावर्स। और इधर मैंने टेबल लगा दिया है, ठीक है। ये वाला है इधर, तो ये दोनों का रूम ऐसा है, क्लोज कर देते हैं। और नेक्स्ट वाला रूम जाएंगे तो ये वाला रूम, मैं सब तोड़ रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं सब तोड़ रही हूँ। तो हम पिक्चर्स की तरफ जाएंगे, देखो ये वाला पेंटिंग मैं सब तोड़ रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो हमने इधर भी तोड़ दिया, इतना खुशी है देखो आपको दिखाने में मुझे, मैं सब कुछ तोड़ रही हूँ। चलो छोड़ो, अभी आओ इस रूम में। इसमें मैंने कमेंट पूरा पिंकिश में रखा है, आपको बेड दिख रहा होगा, आपको ये फ्लावर्स दिख रहा होगा, और थोड़े बहुत पिक्चर्स मैंने उधर रख दिया। ये हमारा टेबल है, इस टेबल में हमने बुक्स थोड़े बहुत रख दिए और थोड़ा लाइटिंग लगा दिया। फ्लावर्स में आप दिखे उधर रख दिया, थोड़े पिक्चर्स में बहुत। और ये वाला मेरा टेबल है और ये चेयर है बैठने के लिए। इस तरफ आओगे तो ये भी कपबोर्ड का सिस्टम है सामान रखने के लिए, और बहुत मिरर वर्क हुआ है इधर। तो ये कॉमन वॉशरूम है, इसको छोड़ दो। तो ये वाला ऐसा है, देखो पिंक थीम में ये सब कुछ बना है, तो कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट रूम में जाते हैं। बहुत मेहनत लगी है सच में यार, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा सा काम है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन इसने ही मुझे एकदम, मतलब कैसे बोलूँ, ये बहुत टाइम लेता है सोचने में कि क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा, और क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, कौन सा कलर क्या कलर। और ये हमारा लास्ट वाला रूम है, इसमें मैंने पूरा ग्रीनिश लगा दिया है। आपको लिखेगा एंट्रेंस आते ही आपको बेड मिलेगा, और साइड तरफ आपको फ्लावर्स मिलेंगे। इधर ग्रीन फ्लावर नहीं था इसलिए मैंने ब्लू यूज़ कर दिया, अच्छा है कोई बात नहीं। इधर मैंने मिक्सिंग कर दिया है, जो हमारा फ्रेम वर्क है वो सब है। और इस तरफ आते ही कपबोर्ड सिस्टम और मिरर का वर्क है। यह बहुत बड़ा एरिया है इसलिए इसको ऐसा आया, मैंने कपबोर्ड सिस्टम इस तरफ रखा है ताकि हम व्यू अच्छे से ले सके। आप देख सकते हो तारे कितना अच्छा दिख रहे हैं, अभी नाइट का टाइम है। तो और ये है हमारे पिक्चर्स सेम, और इधर है थोड़ा बुक्स, थोड़ा चेस्ट है जो बॉक्स होता है वो वाला क्राफ्टिंग वाला। नेक्स्ट आया है हमारा नोट्स, कैंडल हमने इधर लगा दिया है, और थोड़ा कपबोर्ड सिस्टम, ये है टेबल, और ये है मेरा चेयर। तो चलिए ये वाला रूम कंप्लीट हो गया है, तो आप मेरा पूरा घर देख लिए। तो नेक्स्ट आपको मेरा ऊपर वाला फ्लोर दिखाती हूँ, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होती हूँ मेन डोर कहाँ है मेन डोर कहाँ है। तो ये वाला हमारा मेन डोर है। तो आपको फ्लावर्स कैसे लगे, मैंने थोड़ा बहुत फ्लावर्स लगा दिए और ये ग्लो ग्लो सा है। चलिए हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं, दिखाते दिखाते नाइट हो गया, देखा गाइस इतना, देखो आप देख सकते हैं तारे कितना अच्छे दिख रहा है। नेक्स्ट चलिए ऊपर जाते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है देखते हैं। तो मैंने इधर दरवाज़ा रख दिया, मैंने बोला ना ज़ॉम्बीज़ की वजह से उनका हमेशा चलता है, उनका रोब ही ऐसा है, वो कभी आ सकते कभी भी जा सकते, उनको कोई कुछ नहीं करने वाला है। आते ही आपको एंट्रेंस में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पेंटिंग है और वो सब है फ्रेम। इस वाले विंडो में मैंने ये सब लगा दिया लाइटिंग के लिए, और मैंने इतना सोच सोच के मेरे दोस्त को भी पूछा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, स्टोर रूम बनाओ ये वो सब बोल दिए, लेकिन बाद में आया कि कंक्लूजन में आ गया गैस, हाँ इतना डिस्कशन हुआ इसको क्या बनाऊँ किस क्या बनाऊँ, इसलिए मैंने फाइनली लाइब्रेरी बनाने का सोच लिया। तो पूरा लाइब्रेरी का सेशन है, इधर दोनों बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ है, थोड़ा बहुत फ्लावर वर्क हमने किया है। इधर भी हमने पूरा, ये पूरा लाइब्रेरी का सिस्टम है, एक एक बड़ा टेबल है जहाँ बहुत लोग बैठ करके पढ़ सकते हैं आराम से, इतना गैप है इतना जगह है, तो देखिएगा ये सब पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले पोर्शन जाते हैं, मैंने बोला ना थ्री थ्री पोर्शन है, तो एंट्रेंस का दरवाज़ा ये इधर है, तो हम एंट्रेंस के दरवाज़े में चलते हैं।
इधर भी मैंने थोड़ा बहुत इसको देखो, इधर लाइटिंग के लिए लगा दिया है। आपको कोई सा भी बुक पसंद हो आप उसको लेके पढ़ सकते हो। इधर बड़ा वाला टेबल रख दिया है, इधर ये वाला रूम में ये, और मैंने थोड़े फ्लावर्स किए हैं, और ये वाला छोटा सा पोर्शन है जहाँ माइंड रिलैक्स होगा। आप ये वाला व्यू देखते देखते पढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा, रिलैक्समेंट होगा। तो ये वाला पोर्शन एक तरफ है, ये कहाँ कई वैरायटी के आपको बुक्स मिलेंगे, जैसे कॉमिक्स कोई भी वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे। और ये वाला पोर्शन सबसे बेस्ट है क्योंकि इसका व्यू बहुत अच्छा है। आप इधर पढ़ोगे तो आपका मन बहुत शांत लगेगा एकदम पढ़ने की तरह। इधर बड़ा वाला टेबल है और उधर भी बड़ा वाला टेबल है। आप इस व्यू को देख देख के पढ़ोगे तो कसम से किसी को भी इधर आके पढ़ने का बहुत मन करेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा लाइब्रेरी, तो ये सब है, मैंने बना लिया है अभी के लिए। आपको कैसा लगा आप ये बता देना, अगर कुछ नए आइडियाज़ आएंगे तो वो भी बता देना। चलिए, इंटरेस्ट में मैंने थोड़ा बहुत यह फ्री स्पेस दिया है ताकि बहुत लोग आएंगे, तो इसलिए मैंने अभी तक कुछ मार्किंग वो सब नहीं किया, क्या बुक है कौन सा बुक है बोल के, वो बाद में कभी किया जा सकता है। तो अभी के लिए हम बंद करते हैं, रात हो गई, हमें सोना जाना चाहिए। और मैं किसी भी रूम में सो सकती हूँ, अभी के लिए तो कुछ टेंशन नहीं है, आराम से सो सकती हूँ मैं। हम कौन सा रूम में जाए, आज इस रूम में जाएंगे। चलिए, तो अभी हम सोते हैं, सुबह उठेंगे और बहुत कुछ करना है हमें। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक लाइक करना, और कमेंट भी कर देना, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है गाइस, कर देना। मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ पूरा, मेरा घर का व्यू आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। ये फाइनल लुक है मेरा घर का, एकदम ग्लोई ग्लोई सा है, अच्छा है, शायद आपको पसंद आ गया होगा। तो ये इधर से, तो आपको पसंद आ ही गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज तक इतना ही, थैंक यू वॉच करने के लिए एंड बाय।